उर्फी जावेद ने राहुल वैद्य को बुलाया हिपोक्रेट। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उर्फी जावेद वो पर्सनालिटी हैं जिनको लेकर अक्सर ही उनके ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर ट्रोल किया जाता है। इससे पहले कश्मीरा शाह और फराह को भी उर्फी जावेद ने खरा खरा सुनाया था और उनका ये जो विवाद था ये काफी सुर्खियों में बना रहा। इसके बाद राहुल वैद्य ने एक ट्वीट किया जिसमें कपड़ों को लेकर बातचीत की जा रही थी। कहा जा रहा था कि वो वक्त दूर नहीं, लोग कपड़ा पहनना बंद कर देंगे और कहेंगे कि ये फैशन है। इस पर उर्फी ने राहुल को हिपोक्रेट कहा, क्योंकि हाल ही में राहुल वैद्य का जिसमें वो नायरा के साथ नजर आ रहे हैं, इस गाने में उन्होंने कई बिकनी और मिनी ड्रेस भी पहनी है। और इसी बात को लेकर उर्फी जावेद ने कहा कि लोगों के भी कितने डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, लोगों को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज करना होता है, लेकिन जब वो खुद ऐसा करे तो उसकी तो बात ही निराली होती है। लोग अपने नजरिए के हिसाब से औरतों को देखना पसंद करते हैं। जी हाँ, उर्फी जावेद ने राहुल वैद्य को लेकर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि एक औरत को सेक्सुअलाइज करना उसकी बॉडी के लिए, वो भी अपने खुद के बेनिफिट के लिए, ये कहाँ का तरीका है? और जब वो खुद अपनी तरफ से ऐसा करना चाहे तो ये गलत हो जाता है, और लेकिन अगर उसी सेक्सुअलाइजेशन से आप लोगों के पैसे बन रहे हैं तो वो ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा हिपोक्रिट है। जी हाँ, यहाँ पर उर्फी जावेद नहीं रुकती है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे राहुल बहुत ही ज्यादा पसंद थे एक सिंगर के तौर पर, लेकिन अब उसने वो रिस्पेक्ट खो दी है क्योंकि वो एक हिपोक्रिट है। जी हाँ, उर्फी जावेद ने राहुल वैद्य की मेंटालिटी को लेकर कहा है कि वो एक तरफ कहते कुछ हैं बल्कि उनका रवैया और उनकी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।